मेरे भाई और मेरी बहनों, दुनिया में आ जाने के बाद हमारा सबसे कीमती असासा ईमान है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जब कोई हाल आता था, कोई दुनियावी हाल आता था, तो आप अल्लाह से बहुत शुक्र करते थे, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि ये हाल मेरी जान पर आया है, मेरे ईमान पर नहीं आया। क्योंकि मेरे दोस्तों, ईमान वो अंदर की माया है जो इंसान को अल्लाह के हुक्मों पर खड़ा करती है। वरना आप यकीन करो, थोड़ी देर के लिए सिखाओ एक गैर मुस्लिम को भी, 10 मिनट में हम नमाज पढ़नी सिखा सकते हैं, वो 10-15 मिनट में नमाज पढ़ना शुरू कर देगा। उसी तरीके से तकबीर तहरीमा करेगा, हाथ बांधेगा, खड़ा रहेगा, उसी तरीके से रुकू में चला जाएगा, उसी तरीके से सजदा भी कर लेगा। और ये बात साबित है, पुराने वक्तों में 1400 साल में कई दफा हुआ ये कि गैर मुस्लिम जासूसों ने इमामों का भेस बदला और अरसे दराज तक मस्जिदों की इमामत करते रहे। तो इन ये आमाल जो हैं, नमाज हो गई, रोजा हो गया, हज, जक़ात, अच्छे बोल, मीठा बोल, अच्छे अखलाक, अच्छे मामलात, अल्लाह के हाँ इनकी कीमत उसी वक्त लगती है जब दिल के अंदर ईमान हो, वरना अल्लाह के हाँ इनकी कोई हकीकत नहीं है। तो मेरा आपका सबसे कीमती असासा ईमान है।